तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स के अंदर में हम बात करेंगे पिवट टेबल और पिवट टेबल की सेकेंड स्टेप को हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने डेटा समराइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, डेटा एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया था, अब हम बात कर रहे हैं डेटा विजुलाइजेशन के बारे में। तो ये हमारे पास डेटा है, डेटा समझ लीजिए ये हमारे एक सेल्स का डेटा है जिसमें टीम मेंबर टीम है, टीम के मेंबर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सेल्स। सॉरी सर, आप बताइए। सॉरी सर, मुझे थोड़ा पानी चले जाएगा रिकॉर्डिंग का, लेट नहीं हो तो कमलेश जी आपने तो मना किया था आप ज्वाइन नहीं करेंगे। नहीं मैंने कब था, मैं व्हाट्सएप पे आपने किए थे, मुझे मेरे पास कोई व्हाट्सएप नहीं, मैसेज नहीं आया। इसमें हमारे सेल्स के आवर्स है, सेल्स है। अब इस पे हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल की, चलिए हम पिवट टेबल इसमें लगाते हैं। नेक्स्ट शीट में पिवट टेबल लगी और मैंने टीम मेंबर के हिसाब से टोटल सेल्स का रूट निकाला। हम बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिल्टर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास रीजन्स है, तो रीजन्स को उठा के हमने फिल्टर में डाल दिया। तो जब भी हम फिल्टर लगाते हैं हमें दो प्रॉब्लम होती है, तो रीजन और टीम मेंबर दो में डाल देता हूं। अब मैं मान लीजिए कि मैंने एक रीजन लिया, उस रीजन में यहां पे फिर मैं टीम मेंबर को सिलेक्ट किया, अब इसके साथ डेटा नहीं आता, नहीं है ना। तो अब डेटा किस किस में नहीं है हमें फिल्टर करने के बाद पता चलेगा। पहली प्रॉब्लम यह आती है, दूसरी प्रॉब्लम यहां पे आती है जैसे कि आपने एक ही पिवट पे दो डेटा, दो तरह के डेटा बना रखा है, चलिए एक ही डेटा पे दो अलग अलग पिवट बना रखा है। जैसे कि मैं एक और पिवट बनाता हूं एक ही सीट पे, यहां इन्वेस्टमेंट वर्कशीट पे आता हूं और मैंने एक पिवट यहां बना दिया। तो मैं यहां टीम मेंबर प्रोडक्ट के हिसाब से सेल्स बनाता हूं। टीम मेंबर ने मैं यहां पे काम करता हूं रीजन हो गया। अब प्रॉब्लम है कि मैं यहां पे अगर मान लीजिए कि मेंबर मैंने सिलेक्ट किया अप्रैल, तो इस ई पिवट इफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है सर। तो क्या इसके लिए भी अलग से फिल्टर लगाना पड़ेगा? तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? इसकी सॉल्यूशन है स्लाइसर। यहां पे आएंगे तो आपको स्लाइसर दिखेगा। तो स्लाइसर में मैंने प्रोडक्ट, टीम मेंबर, टीम, रीजन के हिसाब से फिल्टर स्लाइसर इंसर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वन सेलेक्ट करता हूं तो मेरा एक ही पिवट इफेक्टेड हो रहा है, एक पिवट इफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो हम कनेक्टिविटी करेंगे। इसमें एक फायदा और भी है, जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया
अब दिल्ली में देखिए टीम जे ही है, एक ही मतलब प्रोडक्ट भी है, जो प्रोडक्ट हमारे दिल्ली के डेटा में नहीं था वो यहाँ देखिए हाइलाइटेड नहीं है। तो पहली चीज का सलूशन मिल गया हमें यहाँ पे, दूसरा मैं एक पिपर लगाऊ उसे कई सारे पिपर कनेक्टेड हो, उसके लिए हम बात करते हैं फिल्टर कनेक्शन की। तो पिपर टेबल एनालाइज में हम आएंगे यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन, और यहां पे हम इसको टिक कर देंगे एंड ओके। अब मैं एक पिपर को सिलेक्ट करूंगा तो दोनों पिवट में इफेक्टेड है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया चीज? किसी को डाउट तो नहीं है? सर स्लाइसर लगाने के बाद ही फिल्टर कनेक्शन करेंगे या फिर विदाउट स्लाइसर भी कर सकते हैं? नहीं, स्लाइसर के बाद ही फिल्टर कनेक्शन होगा, फिल्टर कनेक्शन स्लाइसर के लिए हो रहा है ना सर। ओके ठीक है। दूसरी चीज कि हम इसको किसी और सीट पे भी ले जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको चार्ट के साथ इंसर्ट कर लिया, चार्ट और कॉपी कट किया, जो बटन दिख रहा है बटन को यहां से हटा सकते हैं, हाइड ऑल चार्ट बटन, के बाद फिर मैं इस पे भी सिलेक्ट किया और इसके भी चार्ट इंसर्ट कर दिया। कट किया और मैं इसको यहां पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहां स्लाइसर जो है लिया, इसको यहां से कट करते हैं, आपका पिवट पूरा काम करेगा, चार्ट काम करेगा। तो इस तरह से डैशबोर्ड वगैरह पे भी इसका इस्तेमाल, अगर आपको पिवट के जरिए डैशबोर्ड बनाना है तो स्लाइसर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्लाइसर को कट करके आप कहीं और मूव करना चाहे तो कहीं और मूव कर सकते हैं। तो अकरम जी और बाकी लोग समझ में आ गए? यस सर। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर, एक बार फिल्टर कनेक्शन फिर से बताइएगा। फिल्टर कनेक्शन के लिए जैसे मान चले मैं एक और पिवट लगाता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पे गया पिवट टेबल और यहाँ एग्रेसिव वर्कशीट पे आया और यहाँ से हम एक पिवट और यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और इस पे मैं क्या कर रहा हूँ हमारा लॉगिंग आवर दे दिया और लॉगिंग आवर के हिसाब से मैं सेल दे दिया। अभी ये तो लिंक नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे हमने तो लिंक दो को किया था, तो तीसरे पिवट पे आपको क्लिक करना है जो लिंक नहीं है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ फिल्टर कनेक्शंस और कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है, आपका फिल्टर कनेक्टेड हो जाएगा। ओके अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ चार्ट बाट बनाना है तो बना सकते हैं।
मैं चार्ट यहां से भी इंसर्ट कर सकता हूँ, ऊपर चार्ट दोनों एक ही है। ये चार्ट, हाँ ये सब चार्ट जो दिख रहा है ना पिवट टेबल पे नहीं होता है, हिस्टोग्राम चार्ट भी पिवट टेबल पे नहीं होता है, वाटरफॉल चार्ट भी नहीं होता है, तो हम यही तो लाइन चार्ट ही कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ भी क्लिक करूंगा, एक से दस सेलेक्ट करना है तो क्लिक करते हुए माउस लेके चाहिए, एक से दस सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर? यस सर। अब आपके डेटा में अगर आपके चार्ट में डेट है, डेटा में डेट है और फिल्टर डेट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि फिल्टर जैसे मंथ ईयर वगैरह चेंज होता है ऐसा चेंज हो, तो फिर उसके लिए आप यहां पिवट टेबल के अंदर में आपके पास होता है यहां इंसर्ट टाइमलाइन, टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे और यहां डेट जो होगा वो आ जाएगा, तो टाइमलाइन इंसर्ट हो जाएगा जिसमें आप ईयर वाइज मंथ वाइज डे वाइज क्वार्टर वाइज इजली फिल्टर लगा सकते हैं और इसको भी आपको हर पिवट में लिंक करना पड़ेगा वही फिल्टर कनेक्शन से। याद देखिए फिल्टर कनेक्शन और फिर आप अपने इस टाइमलाइन को उठा के कट कर लीजिए और कहीं और रखना चाहते हैं तो कहीं और रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब जब सेलेक्ट करेंगे तो सारा पिवट इसी से इफेक्टेड होगा। ओके सर, टाइमलाइन समझ में आ गया? एक छोटा डाउट है। जी सर। ये अपनी जो रॉ फाइल है जिससे हमने पिवट टेबल बनाए थे उसी के साथ रिफ्रेश बटन कर सकते हैं हम लोग इसके साथ? यदि रॉ का डाटा चेंज हो गया तो इसका स्लाइसर भी चेंज हो जाए और ग्राफ भी? आपको पिवट पे रिफ्रेश करना पड़ेगा सर, समझ गए? तो हम एक टाइम पीरियड डाल सकते हैं कनेक्शन में जाके, डेटा में कनेक्शन में टाइम पीरियड एकदम डाल सकते हैं कि हाँ इतने टाइम बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए, लेकिन उसमें ये दिक्कत होती है सर हैंग, जैसे देखो ना हैंग होने का डर रहता है, तो हम उसको सजेस्ट नहीं करते। अब हम बात करते हैं कि क्या हम स्लाइसर ओनली फॉर पिवट भी लगा सकते हैं। देखिए स्लाइसर को आप जो है नॉर्मल डेटा में भी लगा सकते हैं, लेकिन उस डेटा को पहले आपको कन्वर्ट करना होगा टेबल में, इंसर्ट टेबल, आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिए, इसके ऊपर स्लाइसर इंसर्ट कर सकता हूं। और स्लाइसर किस लिए इंसर्ट होगा? फिल्टर के लिए। जैसे मैं यहां पे प्रोडक्ट वन किया तो प्रोडक्ट वन का फिल्टर लग गया, टीम बी किया तो टीम बी का फिल्टर लग गया, तो डेटा फिल्टर हो जाएगा लेकिन टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो स्लाइसर्स पिवट पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, टाइमलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं और स्लाइसर को हम टेबल पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर। किसी को डाउट? नो सर। ओके, तो अब क्या है कि आप लोग जो है
मुझे इससे रिलेटेड तकरीबन 5 एग्जांपल भेजिए, फिर हमको हम आपको एक डैशबोर्ड हम पिवट के थ्रू बनाना सिखाएंगे कल की क्लास में। लेकिन पहले पिवट के इसके पिवट से स्लाइसर में पिवट का 5 एग्जांपल बना के मुझे भेजिए। डेटा आप चॉइस कर लीजिए, कोई भी डेटा हो सकता है। क्या मैं आप लोगों से आशा रख सकता हूँ? हाँ जरूर सर, हमारे प्रैक्टिस की बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, तो अभी सर बैठ कर बंद लगा दीजिए, तो पता नहीं कल ऑफिस में टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो शुरू हो जाएगी। अच्छा कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना आपको? हाँ सर, क्योंकि मैंने इंटरनेट का कनेक्शन चेंज कर दिया है, मैंने BSNL का फाइबर ले लिया है। ठीक है सर, वायर कनेक्शन है, जब तक चल रहा है चल रहा है। BSNL ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें BSNL के साथ कोलेट करके फाइबर बिछाया है। जैसे EMI मंथली करना है ना, तो जैसे मान लीजिए कि आज इसकी EMI है, तो आप यहाँ ई डेट का फॉर्मूला लगा दें, डेट को सेलेक्ट करें और महीने पे EMI है तो एक डाल दें, तो आपको तो यहां देखिए अगले महीने की डेट आ जाएगी। नीचे ड्रैग कर दीजिए तो 14 फिक्स रहेगा, सिर्फ मंथ और ईयर चेंज होंगे। ओके, गुड नाइट।